हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 19th of January और टाइम हुआ है 7:30 मॉर्निंग के, और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। आप देख सकते हो ऊपर, मतलब हल्के हल्के से क्लाउड्स हैं और बिल्कुल साफ मौसम है, और धुंध भी बहुत कम है, बहुत कम है कल के मुकाबले। और अभी का सीन ये है कि मैं उठा हूँ अभी 6:45 बजे, और अब जो है मैं एज़ ऑलवेज पी रहा हूँ गर्म पानी, और नीचे सभी सो रहे हैं, अभी तक कोई उठा नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ जिम, जिम से आके मेरा प्लान है सिटी जाने का, तो हम सिटी जाएंगे मैं और भैया, और कुछ काम है वहाँ पे। तो गाइस, अभी टाइम हुआ है फिक्स 12 बज गए हैं, और मैं आज जिम नहीं गया। मैंने सुबह बोला था कि मैं जिम जा रहा हूँ, पर मैं बाहर बैठा हुआ था, बाहर से मैं अंदर आया, वैसे ही मेरा एकदम से मूड चेंज हो गया जिम जाने का, कि मतलब मेरा मन नहीं किया फिर जिम जाने का। मैं कहा आज नहीं जाएंगे, मैं अब शाम को जाऊँगा आज जिम, तो इसलिए फिर मैं सो गया था। इन बिस्तरों ने मुझे बुला लिया था बहुत ही प्यार से, तो मैं इनके पास चला गया। फिर मैं उठा 10:30 बजे, और फिर मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया, और अब मैं बना रहा हूँ शेक, और मैं दिखा देता हूँ घर में कौन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपनी सुभांशी के पास। सुभांशी देखो, सुभांशी हे, गुड मॉर्निंग बोलो सुभांशी। सुभांशी और नित नहा रही हैं, पापा सो रहे हैं। अब चलते हैं अपन छत पे, उससे पहले मैं आपको गणेशी से मिलवा देता हूँ। गणेशी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गणेशी को बस कैमरा खाना होता है क्योंकि इतनी भूखी है, सारे दिन इसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो बाकी सब छत पे है। ये देवांशी जो है बुआ की मालिश कर रही है, यानी कि नागिन की। कंट्रोवर्सी चल रही है यहाँ पे। मम्मी खाना बना रही है। मम्मी क्या बनाया आज खाने में? बोर की सब्जी है, मूली की सब्जी है। बोर की और मूली की सब्जी बनी है भाई आज खाने में, और मिर्ची का अचार है। ये रहा देखो, ये हरी सब्जी है, ये बोर की सब्जी है, ये आंवले का अचार है, ये मिर्ची है, और ये भैया की थाली है। तो ये था, और जेकी शायद बाहर गया हुआ है घूमने, और सैम, हाँ सैम दिखाया मैंने आपको। सैम यहाँ पे कंप्यूटर में ड्राइंग सीख रहे हैं। क्यों सैम? हाँ। कुछ कहना चाहोगे? क्या? कुछ भी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, और चाचा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और मेरी तरह आप भी ड्राइंग बनाना सीखें। ओके, सैम अपनी ड्राइंग बना रहे हैं कंप्यूटर में। सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज, आपकी वजह से ही तो हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। ओके, थैंक यू सैम, अपने जैसे दोस्तों को जो आपकी वीडियोस देखते हैं। मेरी वीडियो जो भी देखता है उनको शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें प्लीज। okay. प्लीज सब्सक्राइब करें। सैम बोल रहे हैं सब्सक्राइब के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। और सैम, स्कूल वगैरह क्यों नहीं जाते हो? लॉकडाउन लग रहा है इसलिए। ओफो, स्कूल की याद आती है आपको? हाँ, स्कूल की याद आती है। मिस कर रहे हो स्कूल को? हाँ। तो कितने दिन हो गए आपको स्कूल जाए? एक हफ्ते से ज्यादा। तो घर पे पढ़ाई वढ़ाई करते हो? नहीं करते। कोचिंग जाता हूँ शाम को। ओके, सैम शाम को कोचिंग जाते हैं, और घर पे थोड़ा बहुत पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। पढ़ता हूँ। पढ़ते हो, चलो वेरी गुड। तो मैंने सैम को नीचे दबा रखा है। क्यों सैम? क्या हुआ? कुछ नहीं, धूप लग रही है। आई जे मैं पुच्ची ले रहा हूं, इनसे बोलो कि नहीं ले। नहीं, सब बोलो मैं इसके पुच्ची लूं। बट
रोटी खाएंगे यार, अब भूख लगे। मैं ऐसे नहीं खाती थी ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे करना, एक हाथ से मकर दोबारा करियो, कैसे करा था? यहाँ पे सुभांशी को दिन में उठाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, रात को उठती है क्योंकि ये मम्मी जो है इसको उठती नहीं, रात को जगती रहती है। मम्मी इसको सोने नहीं दे रही ताकि ये रात को सोए आराम से। और बहुत बाप ना पट के नीचे सो रही। ये देखो पूरी वो सो रही है पर उठ गई। ये देखो इसको गुस्सा आ रहा है बहुत कि मेरे को क्यों उठा रहे हैं, सोने क्यों नहीं दे रहे। झूला खिलाओ मैं इसको। ये देखो सो जा वापस। ये देखो मम्मी उठा रही है इसको। ये उठना नहीं चाहती, कैसे देख रही है देखो। सेम देवांशी को कैसे सो रही है, आराम से मस्त सो रही है। सुबह कौन रात में खुद सोवन दूसरा सुबह देखो। ये देखो ओ लो बाप ले कैसी उठ गया। अब आंख खुली थोड़ी सी, अब फिर सो जाएगी बंद। सो तो गाइस अभी हम आए हैं मोरिजा टावर, हमको कुछ सामान लेना था यहाँ से, तो आपको दिखाते हैं कैसा है क्या है। तो इसके अंदर आपको कोई भी कैमरा रिलेटेड जो भी एसेसरीज होती है, लेंस, माइक और फोटो, मतलब जो भी कैमरा से रिलेटेड जो भी एसेसरीज होती है सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये सारी यहाँ पे मोबाइल कैमरा की मतलब शॉप्स हैं ये सारी। ये देखिए तो गाइज मैं जो है अपने पीसी के लिए वाईफाई अडेप्टर लेने आया था, तो वो तो मेरे को वहाँ पे मिला नहीं। तो अभी हम उसके जस्ट पास में ही रायसर प्लाजा है, तो हम रायसर प्लाजा में आए हैं अभी ट्राई करने के लिए। ये रायसर प्लाजा है, यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज से लेकर कंप्यूटर एसेसरीज सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो गाइज हमको लेना था ये वाईफाई अडेप्टर जिससे हम हमारे पीसी के अंदर वाईफाई जो है यूज़ कर पाएंगे, और उसके अंदर वाईफाई से जो इंटरनेट नहीं चल रहा था उसको हमको ईथरनेट केबल से कनेक्ट करना पड़ रहा था, तब जाके उसमें इंटरनेट वर्क कर रहा था। तो हमने ये ले लिया है, इसके बाद हमें उसके अंदर उसको जो है ईथरनेट केबल से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम डायरेक्ट ही वाईफाई से कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं विद्याधर नगर, वहाँ भैया को कुछ काम है, तो भैया का कुछ काम निपटा के फिर हम चलेंगे वापस घर, और कोशिश करूँगा रास्ते में आपको कुछ दिखाने की जो भी रास्ते में दिखेगा। तो चलिए चलते हैं, हमारी बाइक अभी वहाँ खड़ी हुई है उधर मोरिजा टावर के सामने, तो वहाँ से बाइक लेनी है। हम हैं अभी रायसर प्लाजा में जो कि मोरिजा टावर के जस्ट टच होके ही है। तो अभी हम आ गए हैं पार्किंग में, ये मोरिजा टावर के पास वाली फ्री पार्किंग है, तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी थी हमारी। तो अब भैया जो आगे चल रहे हैं
अब मैं गाड़ी भैया को दे दूंगा, भैया गाड़ी चलाएंगे, मैं पीछे से शूट करूंगा। ये है जयपुर का इंदिरा मार्केट, यहाँ पे कपड़ों का ये बहुत बड़ा मार्केट है। गर्ल्स वियर, मेंस वियर, जितने भी मतलब जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट कलेक्शन आता है वो सारा यहीं पे इंदिरा मार्केट में ही आता है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी शॉप्स है, हम फिर भी ये इंदिरा मार्केट का जो है हमने 70% कवर कर लिया है, तो हम ऑलमोस्ट एंड पे ही है इंदिरा मार्केट के। और ये हम साइड में आए, ये इंदिरा मार्केट के जस्ट बगल वाला रोड है, इसको भी इंदिरा मार्केट ही बोलते हैं। यहाँ पे लाइटिंग से रिलेटेड सारी एसेसरीज मतलब मिलती है, मतलब जो भी मतलब लाइट होती है, किसी भी टाइप की लाइट या फिर मैकेनिकल चीज़, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सब यहीं पे मिलती है। जयपुर का 5 बत्ती, MI रोड, ये जयपुर का फेमस चौराया है 5 बत्ती का, आपने काफ़ी फ़ोटोज़ में देखा होगा। इसमें 5 लाइटें हैं इसलिए इसको 5 बत्ती चौराहा बोलते हैं, और ये इसको आपने कई फ़ोटोज़ में देखा भी होगा मतलब दिवाली वगैरह की में। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर चौराया है, और यहाँ पे आसपास देख सकते हो यहाँ पे जितने भी फेमस और जो ब्रांड्स हैं वो सारे यहीं पे ही हैं, MI रोड पे ही। और ये जो 5 बत्ती है ये MI रोड पे ही पड़ता है, और ये जस्ट 5 बत्ती के सामने ही उधर की साइड राजमंदिर थिएटर है, जो कि जयपुर का फेमस है, सबसे पुराना जो सिनेमा हॉल है वो यही है। तो ये है राजमंदिर सिनेमा हॉल, ये वाला, ये जयपुर का सबसे पुराना सिनेमा हॉल है और सबसे फेमस भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अंदर से इसका इंटीरियर काफ़ी सुंदर है। तो गाइज अभी हम हैं अहिंसा सर्किल, और ये जो है विद्याधर नगर का रोड है, और बाइक जो है भैया चला रहे हैं, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। अहिंसा सर्किल पीछे रह गई थोड़ी सी, और ये अहिंसा सर्किल रोड है, और अभी यहाँ से आने वाला है, अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे गणपति प्लाजा है जो कि मोबाइल और वही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो भी काफ़ी फेमस है जयपुर में, वहाँ पे हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक और पुराने मोबाइल वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। शास्त्री नगर पानी की टंकी। तो गाइस अभी जो है संक्रांत का टाइम चल रहा है, तो गाड़ी ध्यान से चलाएं, क्योंकि अभी देखो ये जो मेरे पीछे पतंग घूम रही है ये भैया के सामने अभी बाइक पे आ गई थी, तो भैया अभी इस मंजे से देखो, इस मंजे से कटते कटते बचे, वो तो भैया को पतंग दिख गई थी कि आ रही है, तो भैया के सीधे मुँह पे आई थी ये पतंग। देखो ये जो पीछे मेरे लटक रही है मैंने हाथ से पकड़ी हुई है ये, वो तो भैया ने एकदम से हाथ लगा लिया आगे, अदरवाइज ये सीधा गले पे आती। देखो तो प्लीज़ ड्राइव सेफ, क्योंकि ये देखो ये काफ़ी ख़तरनाक है ये, और मंजा भी काफ़ी तेज़ है, ये देखो काफ़ी तेज़ मंजा है ये, इससे कोई भी आराम से कट सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और स्लो ड्राइव करें हमेशा। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ पतंग को, ये मेरे हाथ में फंस गई है, देखो ये मैं छोड़ रहा हूँ इसको, ये छोड़ दिया मैंने। ये हमारी शाह का नाला है, ये पहले काफ़ी बड़ा नाला हुआ करता था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया इसमें एक नदी बना दी, मतलब मेन बेड नदी बना दी, क्योंकि जयपुर में हमारी कोई भी नदी नहीं थी, और यहाँ पे लोग बागों ने नाले के अंदर अपने घर भी बना रखे हैं, बारिश के टाइम में इनको काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पे सारा पानी भर जाता है। इस तरफ तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, पर ये मैं अभी उस पर खड़ा हूँ पुलिया पे, इस नाले के इस साइड में काफ़ी पानी भरा हुआ है। बाकी देखो यहाँ पे कितना रिस्की है मतलब इस तरीके से रहना, अगर तेज़ बारिश आ जाए तो ये कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं, ये है गणपति प्लाजा, जहाँ पे मतलब सारे ब्रांड्स के सर्विस सेंटर है इसमें, और इसमें मतलब जो भी सैमसंग, शाओमी और जो भी मतलब मोबाइल फ़ोन्स के ब्रांड है सबके इसके अंदर सर्विस सेंटर है, और ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी फेमस है, यहाँ पे फ़ोन वगैरह ओल्ड फ़ोन वो सब मिलते हैं। ये है अमरापुरा स्थान, ये सिंधियों का काफ़ी है। MI रोड, यहाँ पे जितने भी बड़े ब्रांड हैं, रेड टैप हुआ, रीबॉक हुआ, पूमा हुआ, ये
जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सबके यहाँ पे जो है आउटलेट्स खुले हुए हैं। ये हमारे जयपुर का सबसे मतलब महंगा मार्केट है, इसके अंदर अमेरिकन टूरिस्टर, सैमसंग, सारे जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सबके मतलब यहाँ पे आउटलेट्स हैं। ये पाँच बत्ती है और वो सामने राज मंदिर। हे गाइस, तो मैं भी आ गया हूँ घर और शाम के बजे हैं 6:30। अब मैं जा रहा हूँ जिम। एज़ यू नो मैं सुबह नहीं गया था आज जिम, तो अब मैं जिम जा रहा हूँ और आज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो बाय।